वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर फिट एंड फाइन। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अमेजोन होम एंड किचन हॉल। मैंने कुछ चीजें रिसेंटली बाय किए हैं अमेजोन से, जो कि आपके साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। सो विदाउट फर्दर एडू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके गाइज, सो माई फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस किचन रग। इसे आप एज अ बेड साइड रग भी यूज कर सकते हैं। दिस इज आयरिस नायलन रनर विथ एंटी स्किड मैट। एंड इसका जो साइज है वो 22 इंच x 55 इंच है। ये पर्पल कलर का मैंने लिया है। इसमें और भी कलर अवेलेबल है, यू कैन चेक। ये आप नॉर्मली वॉश कर सकते हैं विथ कोल्ड वाटर। एंड दिस इज सच अ वैल्यू फॉर मनी गाइज। मैंने इसे 399 रुपीज़ में लिया है। एंड ये बहुत ही अच्छा है, सॉफ्ट है, ईजी टू क्लीन होने वाला है। इसकी मुझे जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी लग रही है, ड्यूरेबल है ये। एंड आई थिंक इसकी जो अगर इसमें पानी वगैरह गिर जाएगा तो ये एब्जॉर्ब भी अच्छे से करेगा। एंड पीछे आप देख सकते हैं एंटी स्किड है, जो कि काफ़ी अच्छा है टाइल्स वगैरह के लिए। एंड सीरियसली मुझे ये वैल्यू फॉर मनी लगा। सो आप डेफिनेटली इसे एक बार चेक करिएगा अगर आपको इस तरीके के रग की ज़रूरत है तो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इसका लिंक दे दूंगी। तो यहाँ पे मैं आपको किचन में इसे लगा के दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे लाइट अच्छी थी। सो इस तरीके का ये दिखता है एंड बहुत ही सॉफ्ट एंड यू नो अच्छा मैट है ये। एंड माई नेक्स्ट परचेज इज़ दिस लॉन्ड्री बास्केट विथ लिड। एंड ये 50 लीटर्स का है। ये नीलकमल ब्रांड का है। नीलकमल के चेयर्स वगैरह हम बचपन से देखते आ रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड बाय गाइज। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगा नहीं था ये इतना अच्छा और स्टर्डी आएगा, बट रियली इट्स अ गुड यू नो क्वालिटी लॉन्ड्री बास्केट। एंड 50 लीटर्स का है। ये चॉकलेट कलर का है। आई थिंक इसमें ब्लैक कलर भी अवेलेबल है। एंड लिड के साथ आता है तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। कैपेसिटी वाइज मुझे काफ़ी अच्छी लगी। स्टोरेज कैपेसिटी इज़ गुड, ड्यूरेबल एंड वैल्यू फॉर मनी गाइज। एंड इसका डायमेंशन 45 x 32 x 55 cm है। स्क्रीन पे मैं मेंशन कर दूंगी। एंड इसकी जो क्वालिटी है स्टर्डी लगी मुझे ये। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये यू नो साइड से काफ़ी ज़्यादा स्लिम है, तो कहीं पे भी आप इसे यू नो अंदर फिट करके रख सकते हो। मैंने इसे वॉशिंग मशीन के बगल में रखने के लिए लिया है और बिल्कुल जैसा मुझे चाहिए था वैसे ही साइज़ का ये आया है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड बाय। अगर आपको एक अच्छा लॉन्ड्री बास्केट चाहिए तो आप डेफिनेटली इसे चेकआउट कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज दिस वुडन बैम्बू कटिंग बोर्ड विथ एंटी बैक्टीरियल सरफेस विथ स्टेनलेस स्टील हैंडल। इसका जो साइज़ है वो 32 x 22 cm है। एंड ये नॉन स्लिप है, मतलब अगर आप जब कटिंग वगैरह करोगे तो ये स्लिप नहीं होगा। एंड इस तरीके से ये पैक होके आया था, आप देख सकते हैं। ओवरऑल प्लास्टिक से इन्होंने लेमिनेट करके भेजा है, तो बहुत ही अच्छे से सेफ्टी के साथ आया था। एंड बैम्बू बोर्ड्स होते हैं ना, वो उनका एक अलग ही एडवांटेज होता है, क्योंकि इसमें कटिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। साथ ही साथ ये नेचुरली एंटी बैक्टीरियल होते हैं, एंटी फंगल होते हैं एंड ईज़िली बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं, ईजी टू क्लीन होते हैं एंड बहुत ही अच्छा यू नो हाइजीन भी मेंटेन आप इसमें कर सकते हैं। तो मैं बहुत दिनों से एक अच्छा वुडन चॉपिंग बोर्ड लेना चाह रही थी, सो मैंने ये लिया है। एंड आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस भी काफ़ी अच्छी है, मोटी है, तो ये ड्यूरेबल भी होने वाला है। अगर आपके आसपास डीमार्ट है तो आप वहाँ पे चेकआउट करिएगा, वहाँ पे आपको ज़्यादा सस्ता मिल जाएगा। अमेज़ॉन में मुझे ये 299 रुपीज़ में मिला है। तो अगर आप यू नो होम डिलीवरी वगैरह इंक्लूड करेंगे तो अच्छा खासा प्राइस में आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे नेक्स्ट परचेज इज़ दिस मेटल स्ट्रॉस। दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड नोवेल। दिस इज़ रीयूजेबल BPA फ्री मेटल एंड ये बहुत ही थिक है, डिश वॉशर सेफ है। एंड ये मैं हाईली रिकमेंड करूँगी अगर आपने अभी तक इसे नहीं लिया है। आप अभी तक प्लास्टिक वाले स्ट्रॉज यूज़ करते हैं ना, देन प्लीज़ आप इसे चेंज करें एंड ये ले। इसके साथ आपको क्लीनर भी मिलता है, आप इजीली क्लीन कर सकते हैं। दो बेंड यू नो स्ट्रॉज मिलेंगे आपको, दो स्ट्रेट मिलेंगे और एक ये क्लीनिंग के लिए मिलेगा ब्रश। आप यू नो इन मेटल स्ट्रॉज को स्टरलाइज भी कर सकते हैं ताकि हाइजीन मेंटेन रहे। एंड यू नो प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना ख़राब है। एंड वो जो मेटल स्ट्रॉज
के बदले जो हम प्लास्टिक स्ट्रॉज यूज़ करते हैं ना, वो तो बहुत ही अच्छा नहीं है एनवायरनमेंट के लिए, तो आप डेफिनेटली ये मेटल स्ट्रॉज चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ दिस कोरोना वाटर जग। यस, द ब्रांड नेम इज़ कोरोना, बट वो वाला कोरोना नहीं। एंड अगेन, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वाटर जग है। ये ना जो इसमें ग्लास का जो मटेरियल यूज़ किया गया है, ये बहुत ही अच्छा है। आप इसमें कूल एंड हॉट दोनों ही काइंड ऑफ लिक्विड यूज़ कर सकते हैं। इसका जो लिड है ये प्लास्टिक का है, तो वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, बट जार की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। द नेक्स्ट थिंग इज़ दिस कैंडी जार। ये मेरे पास एक पहले से भी था, बट ये मैंने किचन के लिए मंगाया है, सौफ वगैरह रखने के लिए, थोड़ा सा माउथ फ्रेशनर वगैरह रखने के लिए। एंड इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी आई है। ये तो मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है, तो ऑब्वियसली इसकी क्वालिटी मैंने चेक करके ही ली है। तो इस तरीके का एक सुंदर सा जार, कैंडी जार, अगर आप ढूंढ रहे हैं डेकोरेशन पर्पज़ के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइज, मैं ये प्रोडक्ट इंक्लूड नहीं करना चाहती थी, बट फिर भी मैं इंक्लूड कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ एक जानकारी शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, वो मैंने ऑर्डर किया था, बट जब कोरोना बहुत ही पीक में था, तो मुझे ये प्रोडक्ट रिसीव हुआ। मैंने 499 रुपीज़ में वो वेपराइज़र ऑर्डर किया था, एंड ये मुझे मिला, जो कि काफ़ी चीप लग रहा है। आई थिंक 100 रुपीज़ में भी मैं इसे ना लूँ। तो शेयर करने का रीज़न ये है कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट आप अमेज़ॉन से ऑर्डर करते हैं, एंड वो रिटर्न लेस प्रोडक्ट होता है, जिसे आप बाद में रिटर्न नहीं कर सकते हैं, एंड आपके साथ पास कोई डैमेज या फिर कोई डिफरेंट ही प्रोडक्ट आ जाता है, तो आप कस्टमर केयर से बात करके उस प्रोडक्ट का रिफ़ंड ले सकते हैं, एंड साथ ही साथ जो प्रोडक्ट आपके पास आया है वो भी पिकअप नहीं होता है, क्योंकि ये एक नया रिटर्नलेस रिफ़ंड की पॉलिसी आई है अमेज़ॉन के तरफ से। मुझे भी पता नहीं था, इसी के थ्रू मुझे पता चला, बट आपका जो रीज़न है वो वैलिड होना चाहिए। तो यही एक छोटी सी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि रिटर्नलेस प्रोडक्ट होता है एंड अच्छा नहीं लगता है, तो भी हम नहीं रिटर्न करते हैं, पैसे वेस्ट हो जाते हैं। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस पेडिक्योर टूल। दिस इज़ सच अ ग्रेट प्रोडक्ट गाइज, दिस इज़ अ मस्ट बाय। दिस इज़ अ 4-in-1 foot पेडिक्योर टूल। इसमें आपको ब्रश भी मिलता है, प्यूमिक स्टोन भी मिलता है, स्क्रबर भी मिलता है, एंड फिलर भी मिलता है। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस सिस्का सुपर ग्लैम हेयर स्ट्रेटनर। द प्राइस इज़ 749। ये 2 ईयर्स वारंटी के साथ आया था, एंड HS6810 इसका मॉडल नंबर है। ये 60 सेकेंड में वार्म हो जाता है। मैंने इसे एक बार यूज़ भी किया है, मुझे काफ़ी हैंडी लगा। सबसे अच्छी बात, ये बहुत ही लाइट वेट है एंड ओवर हीट नहीं करता है। अगर इसे ओवर हीट भी आप कर देते हो ना, तो ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है, मतलब ये ओवर हीट प्रोटेक्शन के साथ आता है। एंड जो इसका ग्लाइड है वो काफ़ी स्मूथ लगा मुझे ये, क्योंकि ये सिरामिक प्लेट के साथ आता है। अगर आपको इसका प्रॉपर रिव्यू चाहिए, डेमो चाहिए, तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड ओवरऑल मुझे ये काफ़ी स्टाइलिश लगा एंड ट्रैवल फ्रेंडली भी लगा, तो आप ज़रूर एक बार चेकआउट करिएगा अगर आप कोई सस्ता स्ट्रेटनर ढूंढ रहे हैं तो। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो अ हेयर टूल, एंड दिस इज़ वेगा ईज कर्ल 25mm बैरल हेयर कर्लर विथ सिरामिक कोटेड प्लेट। एंड ये बेज कलर का है, इसका मॉडल नंबर है VHCH10। ये भी 2 ईयर वारंटी के साथ आता है। इसका जो मैक्सिम हीट कैपेसिटी है वो 200 डिग्री सेल्सियस है, एंड ये क्लैंप के साथ आता है। बहुत अच्छी बात है, मतलब मेरे जैसे बिगिनर के लिए काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, आप कह सकते हैं। इसका प्राइस जो है 999 रुपीज़ है। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आई थिंक ये भी रिटर्नेबल नहीं है, बट इसमें आपको आप ऐसा नहीं है कि आप रिफ़ंड ले सकते हो। सो मेरे साथ ये थोड़ा सा मुझे लगा, मुझे पता नहीं था, मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है टूल्स के बारे में, तो ये मैंने 25mm ले लिया था।
एंड इससे ना बहुत बड़े बड़े कर्ल्स बन रहे थे। तो अगर आपको ऐसा ही चाहिए तो इट्स ओके, बट अगर आपको थोड़े से अच्छे फाइन वाले चाहिए ना तो आप 19mm वाला ट्राई करना। ये वाला बहुत ज़्यादा यू नो इफ़ेक्ट नहीं दे रहा था, सो बट फिर भी मतलब मेरे लिए ठीक है, मैं कभी कभार यूज़ करती हूँ। एंड इसमें इंडिकेटर भी है, सो बहुत ही अच्छा लगा। ये थोड़ा सा हेवियर साइड है, स्ट्रेटनर थोड़ा सा हल्का था सिस्का वाला, ये थोड़ा सा हैवी है, बट क्वालिटी इसकी भी काफ़ी अच्छी है। सो अगर आप एक अच्छा स्ट्रेटनर कलर देख रहे हैं अंडर 1000, तो डेफिनेटली आप ये दोनों चीज़ें चेकआउट करिएगा सारे। गाइस ये था मेरा छोटा सा हॉल, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैंने प्रोडक्ट के साथ साथ थोड़े से उसके रिव्यू भी शेयर किए हैं, तो अगर आप उन प्रोडक्ट्स को लेना चाहते हैं या चेकआउट करना चाहते हैं तो सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड यस, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई विल सी यू सुपर सून माय नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन बाय।